हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शैकी की जो ने बन रही है एक इंस्टेंट बंगाली मिठाई, जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। दिवाली पर हम घर में मिठाई तो बनाते ही हैं, बाज़ार से कुछ ज़्यादा नहीं खरीदेंगे तो घर की जो वो इंग्रेडिएंट्स जो हमें घर पर आसानी से मिल जाए। तो चलिए आज शैकी किचन में सरल सी मिठाई बनाते हैं। दिवाली हो या भैया दूज हो, घर में रखी जो थाली है उसमें मिठाइयाँ रखी हो, अगर उसमें बंगाली मिठाई ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो उसे रखने में एक चार चांद सा लग जाता है। अच्छा लगता है घर में अगर बंगाली मिठाई हो, चाहे वो कोई भी टाइप की हो। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं बंगाली मिठाई, लेकिन वो भी बहुत ही कम मेहनत में। स्वाद इतना अच्छा होगा कि जो खाएगा आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। चलिए चलते हैं बंगाली मिठाई बनाने के लिए। इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या? सबसे पहले इस मिठाई के लिए जो फिलिंग होती है उसके लिए हमें चाहिए होता है मावा। तो सबसे पहले हम इसके लिए जो फिलिंग होती है उसके लिए बना लेंगे मावा। आप मावा जो है मार्केट से ले सकते हैं, दूध से बना सकते हैं। आज मैं मिल्क पाउडर से आपको मावा बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैं ले रही हूँ 1/4 कप मिल्क। दूध के पैन को मैंने गैस पर नहीं रखा है और 1 से 1.5 टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें। 1 से 1.5 स्पून मैं इसमें डालूंगी घी। ये बहुत ही सरल मिठाई है और टेस्टी भी है। कम मिल्क में ज़्यादा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। 1/2 कप मैं डाल रही हूँ इसमें मिल्क पाउडर। और अगर आपके पास मावा है तो आपको ये मेहनत भी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं डालूंगी पाउडर शुगर। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो शुगर है उसको बारीक पीस लिया है। तो ये शुगर को मैंने बारीक पीस लिया है। तो फ्रेंड्स, इसको हम खोलते हैं। और खोलते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उसका जो धुआं है आपके नाक मुंह आदि नहीं चल जाए, नहीं तो आपको ठीक स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैंने शुगर का, आई एम जस्ट किडिंग, ये मैंने शुगर को पीस लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच किसी भी शुगर। और अब हम इसे रखेंगे गैस पर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रह जाए। गैस की फ्लेम हमको स्लो ही रखनी है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। और हमें स्लो गैस पे इसे अच्छे से पकाना है। गैस पर मुझे चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी येलो फूड कलर, तो ये हमारा जो इसका कलर है बहुत ही अच्छा जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये येलो की जगह ऑरेंज रेड था, तो मैंने ऑरेंज रेड फूड कलर यूज़ करा है। आप इसमें केसर वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से इसको पका लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, इसका कलर भी अच्छा आ गया और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम लूज हो गई है। हमें इसी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा हमारा पक चुका है और गाढ़ा भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मावा एकदम रेडी है, ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब तो अब हम मैं कर लूँगी गैस को बंद और इसे निकाल लेंगे कटोरी में। ये शुगर सिरप, फ्रेंड्स जो पीसी हुई चीनी थी तो मैंने चीनी ली है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी और चीनी को मेल्ट होने तक हम इसकी एक मतलब चाशनी से बना लेंगे। चाशनी हमको ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए इसकी, बस चिपचिपी होनी चाहिए, बस थोड़ी सी चिपचिपी सी चाशनी बना लेंगे इसकी हम। इतना होनी चाहिए।
तो अब त्रैन सब चाश्त में हम डालेंगे इलायची पाउडर खुशबू के लिए, ये हमारा जो शुगर सिरप है एकदम रेडी है फ्रेंड्स। अब मैं कर दूँगी गैस को एकदम बंद। तो फ्रेंड्स अब मैंने लिया है आधी कटोरी दूध और अब मैं इसमें डालूँगी मिल्क पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो फ्रेंड अब मैं इसमें दूध में डालूँगी एक चम्मच चीनी और इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। ये जो दूध लिया है मैंने एकदम ठंडा ठंडा सा लिया है और मिल्क पाउडर चीनी और दूध को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो फ्रेंड्स हमारा शुगर जो सिरप है वो रेडी है एकदम और हमारा जो ठंडा ठंडा जो दूध है मिल्क पाउडर वाला वो भी रेडी है और हमारा मावा भी रेडी है। तो चलिए अब हम करते हैं सस्पेंस को एकदम ख़त्म। हमारा सस्पेंस एकदम ख़त्म हो चुका है कि हम कौन सी मिठाई बना रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड अब मैं आपका सस्पेंस ख़त्म कर देती हूँ कि हम कौन सी बंगाली मिठाई बना रहे हैं। बंगाली मिठाई बनाने के लिए कई तरह की बंगाली मिठाई होती है, जैसे बंगाली मिठाई बनाने के लिए हमें दूध लेना होता है, फिर उसे छेना बनाते हैं हम और उसे उबाल कर पहले छेने को रोल करते हैं और रसगुल्ले बनाते हैं और फिर बनती है हमारी बंगाली मिठाई। लेकिन यहाँ मैं ले रही हूँ ब्रेड की पीसेस और हम इससे बनाएंगे बंगाली मिठाई। तो सबसे पहले मैं जो ये ब्रेड है इसको मैं कटोरी से गोल शेप में इसको मैं कट कर लूँगी। यकीन मानिए फ्रेंड्स ये मिठाई जो बहुत ही अमेजिंग है, कम मेहनत में बहुत ज़्यादा तारीफ। तो ये मैंने इसको कट कर लिया अच्छे से, ऐसे ही हम सारे जो ब्रेड हैं उनको भी कट कर लेंगे। गजब की टेस्टी हमारी जो बंगाली मिठाई बनके तैयार होगी, आप खा के देखिए पता चलेगा आपको, कोई कह नहीं सकेगा इसे ब्रेड से बनाया है, इतनी टेस्टी मिठाई बनके हमारी रेडी होगी। तो फ्रेंड मैंने सारी जो ब्रेड हैं उसको गोल शेप में कट कर लिया है। अभी जो हमारा ठंडा ठंडा मिल्क पाउडर जिसको हमने शुगर मेल्ट की थी ना, ये जो इस दूध है इस दूध में हमने जो ब्रेड स्लाइसेस कट किए थे उसको डबोएंगे अच्छे से, डिप करके इसमें निकाल देंगे दोनों साइड से। ये देखिए फ्रेंड्स हम इसे धीरे धीरे ऐसे निकाल लेंगे जिससे कि जो हमारे ब्रेड का जो फ्लेवर है वो सारा ख़त्म हो जाए। और हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको, इसे हमें ब्रेड को हमें बेलना नहीं है, नहीं तो जो ब्रेड के जो स्पंज दिखता है ना वही हमें चाहिए क्योंकि छेने में इसी तरीके का स्पंज होता है ना। अब जो हमने ये मावा बनाया था ना एकदम से मावा जो हमारा गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसे ब्रेड के ऊपर नीफ की हेल्प से स्प्रेड कर लेंगे। तो इसे अच्छे से फैला लेंगे हम ब्रेड के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड मैंने अच्छे से इसको फैला लिया है। अब जो ब्रेड है इसके ऊपर हम एक और पीस रख देंगे और अच्छे से इसको दबा देंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारी ब्रेड टूट भी नहीं रही है और ये अच्छे से हमारा मावा भी लग चुका है। ऐसे सारे पीसेस को हम रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने सारी जो है ना मावा इसमें लगा के अच्छे से रेडी कर ली है ब्रेड पीसेस को। अब जो हमने शुगर सिरप बनाया था वो हम इसको करेंगे, हल्का हल्का ब्रेड पीस स्प्रेड कर देंगे हम शुगर सिरप को ताकि जो ब्रेड का फ्लेवर है वो एकदम पूरा ख़त्म हो जाए। मैंने अच्छे से इस पर शुगर सिरप लगा दिया है। और थोड़ा सा सिरप जो है वो हम सर्विंग प्लेट में नीचे की तरफ डाल देंगे।
अभी जो हमारा बचा हुआ दूध था ना, उसको भी हम इसके ऊपर हल्के हल्के से फैला लेंगे ताकि ब्रेड का जो फ्लेवर तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट इतना बढ़िया आएगा। मैंने शुगर सिरप को एकदम पूरी अच्छे से फैला दिया है नीचे तक और अब लीजिए वर्क और इसी इसके ऊपर लगा दीजिए ब्रेड के ऊपर अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स सारा जो वर्क था मैंने लगा दिया है इस पे ब्रेड पे। अब मैं फिंगर के हेल्प से इसके ऊपर जो येलो कलर है वो लगा लेंगे ताकि बिल्कुल मार्केट स्टाइल में हमारी जो बंगाली मिठाई दिखेगी, हमारी दिखने में एकदम सुंदर लगेगी, खाने में तो अमेजिंग है। अब इसके ऊपर हम पिस्ते की कतरन से इसके ऊपर सजा देंगे, थोड़ा डेकोरेशन कर देंगे इस थोड़ा सा। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग सी बढ़िया सी जो हमारी बंगाली मिठाई बनके तैयार हुई है। देखिए फ्रेंड्स हमारी जो है अमेजिंग सी जो बहुत ही टेस्टी सुपर सॉफ्ट बंगाली मिठाई बनकर तैयार हुई है। ये कितनी सॉफ्ट है जो दिखने में आपको दिख रही होगी, ऐसे भी कैसे लगी है। तो अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स हमारी जो ब्रेड की रस बंगाली मिठाई बनकर एकदम रेडी है। मैंने इसे 2 पीसेस में कट कर लिए, आप देख सकते हैं एकदम सुपर सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। और कोई कह नहीं सकता कि मैंने इसे ब्रेड से बनाया, खाने में इतनी टेस्टी ज़बरदस्त मिठाई है। तो फ्रेंड्स आप भी बना के ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। क्या था